फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब सारे के सारे। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे भाई, पूरी दुनिया में जिधर भी होंगे। आज का जो वीडियो है मैं बताऊंगा कि दुबई में जॉब कैसे मिलता है, राइट। और मैं जा रहा था अभी बैंक में, ठीक है, मेरे रूम के पास में, ड्यूटी से आ गया मैं, और मैंने सोचा चलो आप लोगों को दिखाता हूँ, क्योंकि बाहर आजकल घूमना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस होता है, क्योंकि मार्क्स ऊपर नहीं होगा ना तो फाइन आ जाता है प्लेन जा रहा। मैं मार्क्स को ऐसे रखूँ ना, लगा के ऐसे रखूँगा, तो आपको तो ये भी समझ में नहीं आएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ, ऐसे ही है ना। ऐसे रखूँगा ना तो आपको भी समझ में नहीं आएगा, तो मैं पहले बैंक का काम ख़त्म कर लूँ, उसके बाद आपको डिटेल में बता दूँगा, ठीक है। क्या बात है यार, रॉयल इनफील्ड, क्या बात है यार, रॉयल इनफील्ड खड़ी हुई है। जाबरों से करेंगे क्रॉसिंग, नज़ारे देखो, आज धूप निकल रही है, और वो देखो मेट्रो सामने। बैंक का काम ख़त्म करके आ गया मैं अभी बिल्डिंग के नीचे, मास्क उतार दिया। तो हाँ, सबसे पहले तो एक गुड न्यूज़ देता हूँ यार, मैं आज शाहरुख खान की मूवी शूटिंग पे गया था, ठीक है, तो मैं उधर से एक वीडियो शूट किया, तो मैं जल्दी इसको अपने यूट्यूब चैनल पर करूँगा, और कल भी मैं जाऊँगा, ठीक है ना। तो आज अच्छे से नहीं बना, क्योंकि आज पार्किंग नहीं मिला मेरे को गाड़ी खड़ा करने का, बहुत दूर था, और बिजनेस बे में चल रहा है इधर ही शूटिंग, कल एयरपोर्ट पे था, और कल मैं जाता हूँ तो 100% में कुछ ना कुछ बना के लेके आऊँगा उधर से। कोई बंदा बोलता है कि भाई दुबई में जॉब कैसे सर्च करें, ठीक है, जैसे टाइटल आप लोगों ने देखा था, ठीक है, घुमाया इसलिए आप लोगों को कि यार थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो जाता, लेकिन बहुत टाइम हो गया मैं बाहर का वीडियो नहीं बनाया, क्योंकि कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, तो इसकी वजह से पुलिस बहुत ज़्यादा एक्टिव है, थोड़ा भी मार्क्स नीचे होता 3000 का फाइन दे देता है। दुबई जॉब कैसे ले, सही है ना, हर एक कमेंट यही होता है भाई जॉब कैसे सर्च करें। देखो यार, दो तरीके होते हैं जॉब सर्च करने के, दुबई में जॉब करने के लिए, ठीक है। नंबर एक, जो आप इंडिया में बैठे हुए हो, आप पाकिस्तान में हो, आप उधर ऑनलाइन गूगल एप्लीकेशन पे जाएं, उधर डाउनलोड करें इंडीड, नौकरी गर्ल्स, बैंक, जॉब बैंक, ठीक है, 4-5 ये एप्लीकेशन है, इनको डाउनलोड करें अपने फ़ोन में, और उस पर अपने जो प्रोफेशनल है, जो आप जॉब करना चाहते हैं, राइट, आप एक अकाउंटेंट है, आप अकाउंटेंट की जॉब सर्च करें, उधर पर बहुत सारी जॉब आती है, उधर से अप्लाई करें, नंबर एक। वो नंबर दो बताया मैंने, नंबर एक जो नंबर हर कोई बंदा जो यूज़ करता है वो होता है विजिट वीज़ा, ठीक है, जो बंदा विजिट वीज़ा लेके इधर आता है जॉब सर्च करता है। इससे आसान कोई भी नहीं है यार, हर बंदा भाई, मुंबई वाले, बैंगलोर वाले, दिल्ली वाले, दिल्ली के तो मैंने बहुत कम देखे इधर, लेकिन मुंबई वाले तो यार ऐसे, उनके लिए दुबई ऐसा होता है जैसे उनको मुंबई है, मैंने अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ भाई, बहुत सारे बंदे मुंबई से हैं, सच में उनको ये नहीं महसूस होता कि हम लोग दुबई में हैं, मुंबई में, बैंगलोर वाले भी सेम। आसान तरीका है विजिट वीज़ा लेके इधर आके जॉब सर्च करने का, सबसे आसान तरीका, ना किसी एजेंट को, क्योंकि बहुत सारे बोलते हैं एजेंट, यार एजेंट 98-99% फ्रॉड होते हैं, सही है ना, वो सही भी है, आपने उसको डॉक्यूमेंट दिया, आपके पैसे गाले तो आपके लिए तो फ्रॉड हो गए, सही है ना। तो इसलिए मैं किसी को भी सजेस्ट नहीं करता कि भाई उस एजेंट के पास में जाओ, वो करो, ये करो, क्योंकि मैं खुद विजिट वीज़ा लेके आया था दुबई में, मैं खुद जॉब सर्च किया था, ठीक है, मेरे भाई ने हेल्प किया था मेरा, ये बात सच है, ठीक है ना। लेकिन एक जॉब मैंने अपने आप देखा, ये वाला जॉब भी मैं अपने आप कर रहा हूँ, जो मैं सेकंड जॉब कर रहा था वो मेरे भाई की हेल्प से मिला, ठीक है ना। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि सबसे आसान तरीका है विजिट वीज़ा पे आके जॉब सर्च करने का। इतना बड़ा दुबई है, इतना बड़ा है यार, कहीं ना कहीं आपको एक जॉब नहीं मिलेगी यार, है? जब मेरे जैसे बंदे को, जिसको कुछ अता पता ही नहीं था, वो घर से बाहर ही कभी नहीं, मैं कभी सच बताऊँ, मैं अपनी रिश्तेदारी में भी नहीं जाता था कभी, स्कूल से घर, कॉलेज से घर, संडे वाले दिन क्रिकेट खेलता था, बस इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं था, सही है ना। मैं सच बताऊँ मैं किधर भी नहीं जाता था। तो जब मेरे जैसे बंदे को एक जॉब मिल गई दुबई में, आपको क्यों नहीं जॉब मिलेगी यार, थोड़ा सा ये माइंड में लगाओ, सही है ना। मैं आप लोगों को जब से मैंने चैनल ओपन किया, जब से ये बताता हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट जॉब मिलता है, बट आपको थोड़ा देखना, इधर ऐसा नहीं है कि भाई इधर भी आके आपको एयरपोर्ट पे ही आते अगले दिन ही आपको, या उसी दिन आपको जॉब मिल जाएगी, इधर भी टफ कंपटीशन है ना भाई, ऑल द वर्ल्ड आदमी आते हैं इधर, ऑल द वर्ल्ड, ना कि इंडिया के, ना कि पाकिस्तान के, ऑल द वर्ल्ड आते हैं इधर जॉब सर्च करने के लिए, तो जिसमें टैलेंट होता है उसको जॉब मिल जाता है, सही है ना, जिसमें कुछ भी नहीं होता उसको कौन जॉब देगा यार। लेकिन कहने का मतलब यह है कि सबसे आसान वीजा पे जॉब सर्च करने का, एजेंट लोग होते हैं मैं मानता हूँ, ठीक है, दुबई में भी होते हैं, लेकिन वो
1-2% होते हैं यार, सही है ना। अब वो 1-2% में आप जा रहे हैं, आप किसके पास में जा रहे हो वो भी पता नहीं, सही है ना। तो कहने का मतलब ये है कि बहुत डिफिकल्ट होता है एजेंट को सर्च करना, एजेंट को, क्योंकि एक बार पैसे दे दे किसी से वो वापस नहीं मिलने वाले। अगर जो कोई एजेंट अच्छा है ना कि चलो भाई इससे पैसे दे काम हो जाए, वो भी अच्छा, मैं पहले से बोलता हूँ, लेकिन अगर जो पैसे दे कभी काम ना हो तो यार वो तो मतलब वो बोलते हैं ना कि जैसी थी उससे भी गए गुजरे हो गए, फिर माइनस में चले गए हो, और टेंशन आदमी फिर लाइफ टाइम के लिए सोचेगा भी नहीं, प्लान भी नहीं बनाएगा मैं दुबई जाऊँ। तो कहने का मतलब मेरा यही है, कोई चाहे इंजीनियर है, चाहे अकाउंटेंट है, चाहे कोई भी बंदा है, ठीक है ना, जिसको कुछ काम आता हो, ऐसा नहीं कि भाई काम तो, और बाबा जी कुछ बंदे बोलते हैं ना भाई क्या काम करता है, काम तो कुछ नहीं भाई, तेरे को तो इंडिया में जॉब नहीं मिलेगी तो दुबई में क्या करेगा भाई आके, तो अपने माँ बाप के पैसे खर्च करके चला जाएगा। सही बात है, ये बात आपको कोई नहीं बताएगा, यूट्यूब पर सर्च कर लो, ठीक है। मेरा वीडियो इसीलिए थोड़ा बड़ा होता है क्योंकि मैं आप लोगों तक समझाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि आप लोगों का पैसा विजिट में भी ना लगे ना किसी एजेंट के पास में लगे। सबसे पहले कुछ एक्सपीरियंस करो, ठीक है, और उसके बाद में किसी भी कंट्री में मूव हो, चाहे दुबई, किसी भी कंट्री, एनीवन, तो आपको ऐसे 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 काम मिलेगा जो आपको कुछ आता हो, ठीक है। तो अपना ध्यान रखें, अपनी फैमिली का ध्यान रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, करते हैं उन लोगों तक बहुत सारी बातें। आज का वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया, और बस वीडियो को शेयर, लाइक, अगर जो इतने तक वीडियो देखा तो लाइक कर देना यार, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। टेक केयर, बाय बाय।